दो सहोदर भाई बबलू और चंदन। देखिए इन तस्वीरों में कि कितने सुंदर दिखते हैं ये, पर अफसोस कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। आज के इस भागदौर में काल मंडरा रहा है, थोड़ी सी चूक भी काल का ग्रास बनती जा रही है, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मासूम से दिखने वाले बच्चों की मौत की खबर जब आई होगी तो इनके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा। आपको बता दें कि गोपालगंज में बहन के घर से राखी बंधवाकर लौट रहे थे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। गोपालगंज में सड़क दुर्घटना में दो भाइयों की इस दर्दनाक मौत से गोपालगंज सहित सारण के परसा बनकेरवा तक लोग सदमे में हैं। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बहोरवा गांव की है, जहां मृतकों की पहचान छपरा जिले के परसा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकेरवा गांव निवासी बबलू कुमार और चंदन कुमार के रूप में की गई है। बबलू बड़ा भाई था जबकि चंदन कुमार छोटा भाई। मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि दोनों भाई बहन के घर से राखी बंधवाकर लौट रहे थे, तभी हादसा के शिकार हो गए। इस घटना में दोनों भाइयों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। परिजनों ने बताया कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर दोनों भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने गए थे। बहन से राखी बंधवा कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दुर्घटना के शिकार हो गए। मैं दर्शकों को ये अपील करना चाहता हूं और जो भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, इस न्यूज को, उनसे गुजारिश करता हूं, हेलमेट को तो जरूर ही लगाएं और साथ ही साथ हर जगह भीड़ से गाड़ी को तेजी से ना निकालें। सावधान रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। इसका भाई जा रहा था घर पे, इसका सामान चोरी हो गया है, बैग, कुछ डॉक्यूमेंट, बहुत सारा सामान था उसका पढ़ाई लिखाई का, तो उसका सामान चोरी हो गया। तो अपने बड़े भाई के पास फ़ोन किया है, बड़े भाई के पास फ़ोन किया है, तो रो रहा था, छोटा वाला भाई रो रहा था, तो वो बोला बड़ा भाई कि मत रो, हम आ रहे हैं, तुम सिधवलिया उतर जाओ। तो सिधवलिया छोटा वाला भाई उतर गया, बड़ा वाला भाई बाइक लेकर गया सिधवलिया स्टेशन पर, तो भाई के रिसीव करके दोनों भाई जा रहे थे घर पे। कल रक्षाबंधन था, दोनों भाई जा रहे थे राखी बंधवाने के। तब तक के बीच में सिधवला थाना पड़ता है, मोहम्मदपुर थाना पड़ता है, कौन गांव पड़ता है वहीं पर एक्सीडेंट हो गया है। उसको किसे जा रहे थे लोग? ये लोग बाइक से जा रहे थे दोनों भाई। इलाज के दौरान मौत हुआ है, कैसे हुआ? इलाज के दौरान तो नहीं हुआ, वो स्पॉट हो गया, स्पॉट हो गया है। कहाँ घर पड़ता है? मेरा घर पड़ेगा मरहौरा। आई लोग का? इनका घर पड़ेगा बनकेरवा, परसा थाना पड़ेगा। आपको सूचना कैसे मिला? हमको सूचना मिला, हम बरहिमा में थे, कल मेला था, वहीं पे थे बरहिमा में, तो हमको फोन आया एक बाइक, यही 10 बजे के आसपास, तो फोन आया, तो हम 5-7 आदमी के लेकर आए थे, कल 5-7 आदमी के लेकर आए थे मेले में से, ऐसे सामान वाले अभी वहीं पे छोड़े हैं बरहिमा में, काली स्थान पे कल मेला था एक, तो वहीं पे हम आए हैं 5-7 आदमी के लेकर। मृतक तो क्या लगते हैं आपका? मेरा बुआ का लड़का है, दोनों चचेरा बुआ लगती है मेरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय किशोर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।